वेलकम बैक फ्रेंड्स. टुडे वी विल डिस्कस सर्टेन वर्ब्स विच आर नॉट फॉलोड बाय प्रीपोजिशन इन पैसिव फॉर्म. हम लोग कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में जानेंगे जिनके पैसिव वॉइस में हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि टू, इन, एट या विथ लगाकर उनका पैसिव फॉर्म बनाते हैं. ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं, बट हियर विल डिस्कस ओनली दोज विच आर मोस्ट कॉमन इन Use. Let us see. यहाँ देखिए at का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस verbs के साथ करते हैं. Surprised के साथ, amazed के साथ, astonished के साथ, annoyed के साथ. तो annoyed के केस में हम at का भी प्रयोग करते हैं और with का भी प्रयोग करते हैं. जब किसी चीज़ की बात होती है तो annoyed at होता है, और किसी person की बात होती है तो annoyed with होता है. With का केस देखिए, pleased, satisfied, vexed. Vexed भी someone के केस में होता है. Dissatisfied, annoyed. Annoyed जैसा मैंने कहा someone के केस में with होता है. In का देखिए, in कहाँ कहाँ use करते हैं. Contained, engulfed, included, interested. To का use देखिए, married के केस में, obliged के साथ, addicted के साथ और नोन के साथ. इन सारे केसेस को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, डिड माई गिफ्ट सरप्राइज यू. तो रूल्स के अनुसार क्या होना चाहिए था, बाय यू. एक्टिव पैसिव वॉइस सारे टेंसेज में मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियोस में क्लियर किया हुआ है, तो रूल्स आपको पता होगा. सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं बी के साथ. और बी क्या होता है, हर टेंस में अलग अलग होता है. तो यहाँ देखिए, डिड माई गिफ्ट सरप्राइज यू, यू आगे आ जाएगा, है ना. क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो वॉज या वर से स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में. वर यू सरप्राइज्ड, और बाई की जगह पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट माई गिफ्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हर इलनेस शॉक्ड रोहित. कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट. रोहित वॉज शॉक्ड एट हर इलनेस, है ना. बाई ना लगा के हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर एटीट्यूड एनॉयज मी, है ना. समथिंग के केस में क्या होगा, आई एम एनॉयड एट हर एटीट्यूड. बाई ना लगा के हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड मी. कैसे बनाएंगे, मी को सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो आई हो जाएगा. आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस, है ना. बाई ना लगा के हम क्या लगा रहे हैं, एट का प्रयोग कर रहे हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर वेयर वी यूज विथ प्रीपोजिशन एंड नॉट बाय प्रीपोजिशन. जस्ट सी, हर पर्सनैलिटी प्लीजेज मी. ये पैसिव कैसे बनाते हैं, आई एम प्लीज्ड विथ हर पर्सनैलिटी, है ना. बाई ना लगा के हमने विथ प्रीपोजिशन का यूज किया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द रिजल्ट्स सेटिस्फाइड माई मदर. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, माई मदर वॉज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे हम विथ वाले. देखिए ये समवन के केस में यूज होता है. श्रेया ऑलवेज एनॉयज मी. मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट में आके आई हो जाएगा, और प्रेजेंट टेंस में है इसलिए एम लगेगा. आई एम ऑलवेज एनॉयड विथ श्रेया. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रीना ऑलवेज वेक्सेस हर. तो क्या होगा, शी इज ऑलवेज वेक्स्ड विथ रीना. आइए कुछ इन वाले केसेस देख ले जहां हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि इन का प्रयोग करते हैं. दिस जूस कंटेन्स सुगर. इसको कैसे बनाएंगे, सुगर इज कंटेन्ड इन दिस जूस. बाई ना लगाकर हमने इन का प्रयोग किया है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फोटोग्राफी इंटरेस्ट मी, है ना. इसको कैसे बनाएंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी. बाई का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इन का प्रयोग करेंगे. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, डार्कनेस एनगल्फ द सिटी.
कैसे बनाएंगे? द सिटी को आगे ले आएंगे. द सिटी वॉज एनगल्फ्ड इन डार्कनेस. बाय न लिख के हम इन लिखेंगे यहाँ. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. द लिस्ट इंक्लूड्स मैनी ग्रोसरी आइटम्स. इसको कैसे बनाएंगे? मैनी ग्रोसरी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट. आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें हम टू प्रपोजिशन का प्रयोग करके पैसिव फॉर्म बनाते हैं. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. टोबैको डज नॉट एडिक्ट मी. तो एडिक्टेड के साथ मैंने बताया था टू लगाते हैं हमेशा. आई एम नॉट एडिक्टेड टू टोबैको. नेक्स्ट देखिए. अजय मैरिड सीमा. तो इसको कैसे बनाएंगे? सीमा वॉज मैरिड टू अजय. यहाँ बाई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. एवरी वन नोज ताजमहल. ताजमहल को आगे ले आएंगे, एवरी वन को लास्ट में. ताजमहल इज नोन टू एवरी वन. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू ऑब्लाइज्ड मी. मी सब्जेक्ट फॉर्म में आकर आई हो जाएगा. पास्ट टेंस में है इसलिए वॉज लगाएंगे. आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू यू. यहाँ भी आप देखेंगे कि हमने बाई का प्रयोग नहीं किया है बल्कि टू का प्रयोग करके पैसिव फॉर्म बनाया है. तो इस तरह से आज हमने इन, एट, विथ और टू लगाकर पैसिव फॉर्म बनाना सीखा है. वी विल मीट अगेन विथ अ न्यू टॉपिक. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग इन इंग्लिश. थैंक यू.